टेंथ की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म कर लिया है और आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है उसका हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ये जो लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में जनरली हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास सब्सटेंसेस पाए जाते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है कौन सा बेस है और इन दोनों की रिएक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये लोग रिएक्ट कर ये सब्सटेंसेज आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज का ये पहला लेक्चर है हमारा और एसिड बेस के बारे में डिफरेंशिएट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी हमारे ऐसे होते हैं जिसमें जो एसिडिक नेचर में होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे जो डेली यूज़ के बहुत सारे सामान हैं जो बेसिक नेचर में होते हैं तो हमें उनके बारे में थोड़ा सा पता रहना ज़रूरी था। तो बहुत सालों से इस पर रिसर्च चल रही थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में और इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज भी दी गई। तो जो हमारे एक अर्हिनियस थे इनका नाम था वांते अर्हिनियस ने 1887 में बताया एसिड और बेसिस के बारे में कुछ नई चीज़ें उन्होंने बताई जिसके बेसिस पे आज तक हमारा एसिड एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वांते अर्हिनियस ने क्या बताया था हमको। तो 1887 में वांते अर्हिनियस ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि एसिड एंड बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन इन वाटर। इनके कहने का मतलब था कि एसिड और बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डालने पे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आयन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब उसी चार्ज के बेसिस पे इन्होंने बताया कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे कंडक्ट होती है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वांते अर्हिनियस ने बताया कि जब हम कोई सब्सटेंस मान लीजिए एसिडिक सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है, तो जब हम उसको एसिड वाटर में डालेंगे तो वो H+ आयन मतलब कि H+ हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैसा आयन है, ये कैटायन है एक, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो अगर कोई एसिड हम वाटर में डालेंगे तो वो H+ आयन डिसोसिएट करेगा, मतलब डिसोसिएट का मतलब वहाँ से अलग हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और पानी में डालने के बाद वो क्या हो रहा है, H+ आयन डोनेट कर दे रहा है, H+ आयन निकाल दे रहा है। H+ आयन को आगे हम बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन इसको क्यों बोलेंगे इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर एसिड है हम उसको वाटर में डालेंगे तो H+ आयन डिसोसिएट हो जाएगा वहाँ से, मतलब H+ आयन निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एसिड होगा वहाँ पर हाइड्रोजन मैंडेटरी है, हाइड्रोजन वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एसिड का हम लोग क्या देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एसिड का डेफिनेशन है द सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट H+ आयन इन वाटर आर कॉल्ड एज एसिड, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसिड वो सब्सटेंसेज होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस थ्योरी है, अर्हिनियस ने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो एसिड और बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं और उसमें दो टाइप के आयन निकलते हैं, एक H+ आयन निकलता है और एक OH- आयन निकलता है। तो सबसे पहले हम H+ आयन की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन डिसोसिएट करता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी जैसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वांते अर्हिनियस ने एसिड और बेसिस के डिफ्रेंसिएशन में जो नींव रखी थी उसके बारे में हम लोग आज तक पढ़ते हैं उसी थ्योरी से, ठीक है। तो वांते अर्हिनियस ने बताया कि जो सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करते हैं वाटर में वो किस टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस वाटर में H+ आयन डिसोसिएट करते हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा है H2SO4, ठीक है। अभी जब आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे 11, 12 में तो H2SO4 जो है आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4।
अब देखिए H2SO4 को जब हम पानी में डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा और HSO4 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब दो कैटायन यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा वाटर में डिजोल्व करने के बाद, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसलिए इसको कहते हैं एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से H प्लस आयन डोनेट या H प्लस आयन क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब अलग हो जा रहा है। इस कंपाउंड से H प्लस आयन डिसोसिएट हो जा रहा है, इसके कारण ये क्या है हमारा एसिड है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो जब इसको वाटर में डालने पे क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस आयन आपस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, H प्लस आयन निकल रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है एसिटिक एसिड का। आप लोग विनेगर जानते होंगे, विनेगर जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, तो सिरका में भी यही एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरका में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये कन्वर्ट, यहाँ पे एच प्लस आयन डिसोसिएट होता है तो एच प्लस आयन निकलता है, उसके साथ साथ CH3COO- आयन निकलता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। ये सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि कैसे डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये जानिए कि एसिड जो है हमारा वो एच प्लस आयन डिसोसिएट करता है वाटर में। और अब बेसिस के बारे में बात कर लें तो बेसिस में क्या होता है, द सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट OH माइनस आयन्स इन वाटर आर कॉल्ड एज बेसिस, ठीक है। तो बेसिस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर में OH माइनस आयन डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। OH माइनस का मतलब इसे कहते हैं, OH माइनस आयन जो है इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करता है वाटर में, वो सब्सटेंस किस टाइप का सब्सटेंस होगा हमारा, बेसिक सब्सटेंस होगा, बेस वाला सब्सटेंस होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है NaOH, ठीक है। NaOH क्या है हमारा कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में Na प्लस और OH माइनस में। तो जहाँ भी OH माइनस निकलेगा वो कैसा सब्सटेंस होगा, बेसिक सब्सटेंस होगा, और जहाँ भी H प्लस आयन निकलेगा वो कैसा सब्सटेंस होगा, एसिडिक सब्सटेंस होगा। और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये भी किस में कन्वर्ट होगा, K प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। देखिए जो भी हमारा कंपाउंड है वो दो पार्ट में टूट रहा है, तो एक हमारा कैटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये तीनों क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जनरली जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं, अगर किसी भी मेटल के साथ प्रेजेंट है तो कैसे रिएक्ट करेंगे, एज ए बेस रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम प्लस OH माइनस में, ठीक है। कैल्शियम 2 प्लस प्लस OH 2 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस सब जगह निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सारे सब्सटेंसेज कैसे हैं, बेसिक सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस के बीच में ये डिफरेंस यही है। अगर आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन लिखने को आता है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं वो सब्सटेंसेज एसिडिक होते हैं, और जो सब्सटेंस बेसिस में, जो सब्सटेंस वाटर में OH माइनस आयन डिसोसिएट करते हैं वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एसिड बेसिस के डिफिनीशन अगर आती है तो आप लोग यही लिखेंगे, बहुत लोग लिख देते हैं कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज हैं ये सब। अगर एक्चुअल प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका जो डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में बेस OH माइनस आयन डिसोसिएट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, एसिड और बेसिस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को उनके डेफिनेशन में लिख देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया एसिड एंड बेसिस के बारे में, तो जो सब्सटेंसेज H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो सब्सटेंसेज OH- आयन डोनेट करते हैं
या डिसोसिएट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई सब्सटेंस दे दिया गया तो जनरली हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ओवरऑल कि सबसे पहले अगर एसिड बेसिस हम पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हमें क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें इंडिकेट कर दे कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है। जैसे बाइक में हमारा इंडिकेटर होता है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हैं तो लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट जलाते हैं तो राइट साइड जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हम इस साइड जाने वाले हैं, पीछे वाले को पता चल जाता है कि ये आदमी इस साइड जाने वाला है। उसी तरह यहाँ पर इंडिकेटर होता है, वो ये बताता है, वो ये इंडिकेट करता है कि क्या होता है, अगर कोई चीज़ एसिड है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, या एसिड बता देगा कि उसको कि ये एसिड है, और कोई चीज़ बेस है तो वो बता देगा कि ये बेस है। जैसे हमारा जनरली यूज़ होता है लिटमस पेपर, ठीक है, जनरली लिटमस पेपर यूज़ होता है। तो एसिड क्या होते हैं, लिटमस पेपर जनरली दो टाइप के होते हैं, रेड और ब्लू, ठीक है। तो जो हमारा एसिड होता है वो रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जो बेस होता है हमारा वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरली क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर प्रेजेंट है तो हमें एज ए इंडिकेटर क्या करेगा, एज ए इंडिकेटर बताएगा कि जो हमारा सब्सटेंस हमने लिया है टेस्ट ट्यूब में या किसी भी चीज़ में हमने जो सब्सटेंस लिया है, अगर हम उसमें क्या डाल दें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल दें ब्लू वाला, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट हो जाएगा वो रेड कलर में। और अगर उसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिटमस पेपर जो है वो हमारा, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो लिटमस पेपर हमारा एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई एसिड की कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वहीं अगर इसके कंपेरिजन में बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एसिड हमारा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा और बेसेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका एक वो होता है, ट्रिक होता है, ब्लू बेसेस, तो BB, ठीक है। ब्लू किस में कन्वर्ट कर देगा, बेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एसिड किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा ब्लू को, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इट इज़ सॉर इन टेस्ट, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम सोचें कि हम HCl या किसी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम टेस्ट कर लें तो क्या होगा, फिर या तो हमारी जीव रहेगी टेस्ट करने के लिए या तो वो एसिड रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम सारे एसिड को टेस्ट कर लें, लेकिन बहुत सारे एसिड ऐसे हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारा लेमन होता है, ठीक है, तो लेमन में हमारा पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो लेमन जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो एसिड और बेसिस को दो टाइप में बांटा गया है, वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड, ठीक है। अब स्ट्रांग एसिड को तो हालांकि टेस्ट किसी ने नहीं किया है, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो जनरली कैसा टेस्ट होता है, उनका सावर टेस्ट होता है, ठीक है। सावर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। तो एसिड हमारे जनरली सावर टेस्ट के होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। बीटर इन टेस्ट मतलब टेस्ट करने में वो बहुत कड़वा लगता है, ठीक है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये खट्टा होता है, सावर होता है, और ये कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इट इज़ जनरली कोरोजिव इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि क्या होता है, बहुत सारे हमारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के प्रेजेंस में आते ही क्या होते हैं, कोरोड होने लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर कोई मेटल हमारा कोरोड हो रहा है तो इसका मतलब अगर हमने किसी चीज़ को कोई सब्सटेंस में रखा है, मेटल को मान लीजिए आयरन हमने किसी सब्सटेंस में रखा है, तो अगर वो बहुत तेज़ी से कोरोड हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, बेसिस में अगर है वो तो जनरली नॉन कोरोजिव होता है, अगर वीक बेस है तो जनरली नॉन कोरोजिव होता है नेचर में, ठीक है। तो कोरोजिव नेचर के अकॉर्डिंग ये एसिडिक जो होता है वो कोरोजिव होता है और हमारा जो बेसिस होते हैं वो नॉन कोरोजिव होते हैं। अगला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, ये क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, और बेसिस जो होते हैं हमारे वो OH- आयन डिसोसिएट करते हैं वाटर में, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस की प्रॉपर्टी हो गई इन लोग की, कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि H+ आयन डिसोसिएट करता है, और बेसिस की प्रॉपर्टी हो गई ये OH- आयन डिसोसिएट करता है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है,
जनरली ये कहाँ यूज होते हैं, बैटरीज में, ठीक है, और प्लांट में पाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, प्लांट के फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए तो ओवरऑल बहुत जगह हमारे एसिड का यूज होता है, जैसे प्लांट फर्टिलाइजर्स में, खेतों में जो फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है, जनरली एसिड। और हमारे बैटरीज में लिथियम बैटरीज आप लोग जानते होंगे जो कार वगैरह में यूज होता है, उसमें भी एसिड का यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जो हम डेली यूज में जो हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा पेपर होता है वो भी बेस, वो भी प्रेजेंट होता है, बेस जो है पेपर में भी हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब यूजेज ऑफ एसिड एंड बेसिस भी अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें लास्ट में आएगा कि जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें भी हमारा बेसिस यूज होते हैं, सोप इंडस्ट्री में तो होता ही है, जनरली बेसिस ही होते हैं जो सोप होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर यूजेज के बेसिस पर बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स में, बैटरीज में, बहुत सारी जगह पर यूज होता है, और ये हमारे डेली यूजेज में, डिटर्जेंट में, सोप्स में, पेपर्स में, सब में यूज होता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। H2SO4 जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 है नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। CH3COOH है हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड है हमारा, टमाटर जो होता है, हम लोग टमाटर खाते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड है हमारा, ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद हमारा फॉलिक एसिड है, ठीक है, ये भी कीवी वगैरह में पाया जाता है, या ब्रोकली जानते हैं आप लोग, ब्रोकली में पाया जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद साइट्रिक एसिड होता है हमारा, मैंने अभी बताया आपको, जो लेमन होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद मैलिक एसिड है, जो ग्रीन एप्पल होते हैं उसमें हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। और आप लोग देखते होंगे जो एंट, और एंट या तो हनी भी हमें काट लेती है, स्टिंग कर लेती है, तो उसके स्टिंग में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे अगर स्किन में चला जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो जाता है, फफोले वगैरह पड़ जाते हैं, फॉर्मिक एसिड वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो एंट और हनी भी में कौन सा एसिड पाया जाता है, जनरली फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, ये कुछ जो कि कॉमनली यूज बेस हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब का यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ मैंने आपको बताया था कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिस हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। ये थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी एसिड और बेसिस के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिसे हम मतलब ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर पाएँ थोड़ा बहुत कि एसिड और बेसिस क्या है।